असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा जल्द ही एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में हैं, जिसके तहत असम में पैदा हुए लोग ही राज्य की सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। मतलब ये कि जिन लोगों ने असम राज्य में ही जन्म लिया है, सिर्फ उन्हें ही सरकारी नौकरी मिलेगी। हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि जल्द ही एक नई डोमिसाइल पॉलिसी पेश की जाएगी और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए वादे के अनुसार दी गई 1,00,000 सरकारी नौकरियों में असम के लोगों को प्राथमिकता मिली थी, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट भी होगी। और उन्होंने कहा है कि सरकार स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब ये कि अब तक तो सरकार जो है सरकारी नौकरी में जो असम के लोग हैं उन्हें प्राथमिकता दे रही थी, लेकिन अब जो नई डोमिसाइल नीति लाई जाएगी उसके तहत सिर्फ और सिर्फ असम में पैदा हुए व्यक्ति को ही सरकारी नौकरी का हक होगा। सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन जब हम 1,00,000 लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा पब्लिश करेंगे। वहीं हेमंता बिस्वा सरमा ने यह भी कहा है कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कारण बीजेपी 2026 में राज्य में सत्ता में वापस लौटेगी। मतलब ये कि जो अपने काम उन्होंने किए हैं उन कामों के हिसाब से वो ये कहते हुए नजर आए कि इतना जो काम उन्होंने किया है इसका असर जरूर पड़ेगा और बीजेपी एक बार फिर से 2026 में सत्ता में लौटेगी। इन सब के अलावा हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार जल्दी लव जिहाद से संबंधित मामलों में भी आजीवन कारावास का कानून लाने की तैयारी में है। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी और हम जल्द ही एक कानून लाएंगे जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी होगी। हेमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि लव जिहाद एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है। और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा ने भी लव जिहाद से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा तय की है। तो वहीं अब सीएम हेमंता बिस्वा सरमा भी इसी प्लानिंग में जुटे हुए हैं कि वो भी अब असम में ऐसे कानून लाएंगे जिसके तहत अगर लव जिहाद में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे जो है आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। तो कुछ बड़े जो बदलाव हैं असम में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसके तहत सबसे पहले जो सरकारी नौकरी है उसमें असम के ही लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये कि जिन लोगों ने असम में जो जिनका जन्म असम में हुआ है सिर्फ उन्हें ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इन सब के अलावा लव जिहाद को लेकर और लैंड जिहाद को लेकर के भी ये बड़ी बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो लैंड जिहाद को लेकर के भी, यानी कि जो लैंड जिहाद कहा जाता है उसको लेकर के भी कुछ कड़े कानून ला सकती है और देखना होगा कि इस कानून का कितना असर होता है। और अब जब ये ऐलान असम सरकार की तरफ से किया गया है, हेमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा ऐलान किया है, तो इसका असर कितना देखने को मिलता है और क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं या फिर क्या इस पर राजनीति होती है, किस तरीके से विपक्ष इसका टेकअवे लेता है, इस पर भी नजर होगी।